हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दीप बजाज स्टडी मस्ती पे। और सबसे पहले हम फिर से आपके बीच आ गए हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के। और जैसा कि हर वीडियो में हम आपके लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाते हैं, चाहे वो साइंस का हो या सोशल साइंस का हो। और आज हम फिर से सोशल साइंस का लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले फिलहाल अभी हम दे रहे हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बीच में समय नहीं रहने के कारण कि मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन अब समय फिर मिल चुका है। और आपका जो एग्जाम होगा टेंथ क्लास का, उन सभी टेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए, आज का क्वेश्चन जो होगा, और आज का वो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो जिस तरह से आप लोग जिस उम्मीद से वीडियो को देखते हैं, उसी उम्मीद से इस वीडियो को भी देखिए और पूरा अंत तक वाच कीजिए। क्योंकि देखिए, अंत तक वाच कीजिएगा तभी आप समझ पाइएगा और उस क्वेश्चन को आप याद कर पाइएगा। और यही क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया तो उसका आप आंसर लिख पाइएगा, है ना। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी ज़्यादातर एग्जाम जो ले रहा है टोटल, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दे रहा है। और जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा वो आपके लिए उतना ही फायदा होगा, मेरा अगर मान, क्योंकि मेरा ये ओपिनियन है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अगर कमांड कर लेते हैं तो आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता है, अगर आपका सही होगा तो नंबर कहीं नहीं जाएगा और आपका नंबर मिलेगा ही। तो इसलिए उस पर हम लोग क्या करते हैं कि डेफिनेटली हम लोग हेयर करेंगे, और हेयर करते हुए क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि देखिए, इसमें आपको जो ऑप्शन देता है, उन्हीं चार ऑप्शन जो आपको चार ऑप्शन देता है, उन चार ऑप्शन में एक आंसर वाली ऑप्शन होती है। बस बशर्ते कि आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए और उसका आंसर याद होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं बनाऊंगा, सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। ये जो आप देख रहे हैं न्यू डील, क्या देख रहे हैं, न्यू डील। ठीक है, तो न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था, इसको सबसे पहले समझो। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया। आपका फर्स्ट जो ऑप्शन कहता है, इसको देखो क्या कहता है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि रूजवेल्ट ने, क्या ऑप्शन कहता है, रूजवेल्ट ने। सेकंड कहता है जॉर्ज वाशिंगटन ने। थर्ड है केनेडी ने, या फोर्थ है कोई नहीं। तो न्यू डील जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो लागू किया था वो कौन सा किया था, रूजवेल्ट ने किया था। न्यू डील को रूजवेल्ट अमेरिकी राष्ट्रपति थे, वो लागू किए थे। ठीक है, अब वाशिंगटन डीसी, ये नहीं, वाशिंगटन डीसी तो आपको पता होगा कैपिटल ऑफ अमेरिका, आई मीन अमेरिका का क्या है, कैपिटल है। ठीक है, न्यू डील जब भी चर्चा होगा, न्यू डील जो था उसको रूजवेल्ट ने, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने क्या किए थे, लागू किए थे न्यू डील को, राइट। फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है रूजवेल्ट, आप ऑप्शन याद नहीं कीजिए, आप ऑप्शन में क्या लिखा उसको याद कीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, देखिए उसको देख, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, और आपको शायद क्लियरली दिखाई देता होगा, अगर प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट कर देना। देखिए क्वेश्चन सेकेंड है कि यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त के लिए हुआ। जो यूरोप में कौन सी ऐसी संस्था थी जिसका उदय जो हुआ था वो आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए उदय किया गया था। आपको फर्स्ट ऑप्शन है G8, सेकेंड है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, थर्ड है आसियान, और चौथा है सार्क दक्षेश, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट क्या है G8, सेकेंड है यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, और थर्ड जो आपका होगा आसियान, और फोर्थ क्या है सार्क दक्षेश। इसको समझिए गौर से, ये हमारा यूरोप में एक संस्था चली थी और उस संस्था का उदय किया गया था आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए। ये आर्थिक दुष्प्रभाव आई मीन इकोनॉमिकल फॉल्ट किया गया था, वो ज़्यादा मतलब कि हाई हो गया था। जो इकोनॉमिक, जो हमारा कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिकल अगर लो हो जाएगा तो फिर समझिए कि उस कंट्री का क्या हाल होगा, क्योंकि सारा डिपेंड पड़ता है इकोनॉमिक पर। इकोनॉमिकल लो नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, हर चीज़ में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ डिपेंड होता है किस पर, इकोनॉमिक पर, है ना। तो यहाँ समझिए बात को, तो ये यहाँ पे जो इकोनॉमिक दुष्प्रभाव पड़ा था वो उसमें यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जो है उस संस्था का उदय किया गया था। ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी आपका ये तीनों ऑप्शन जो होगा गलत हो जाएगा। सार्क दक्षेश भी गलत है, आसियान गलत है, और G8 गलत है। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी जो थी उस संस्था का उदय किया गया था कहाँ पे, यूरोप में, जो आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। किसको, आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हमारा जो ये यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी थी उसका उदय किया गया था, एक संस्था चलाया गया था। ठीक है, चलो इस पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को देखते हैं। क्वेश्चन थ्री की भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया। ये क्वेश्चन दोबारा रिकॉल करते हैं, ठीक है, दूसरा दोबारा रिकॉल कर रहा है कि भूमंडलीकरण जो है उस शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया, आपका समय पूछ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये पूछ रहा है, सॉरी वही समय, यानी 1990 में, सेकेंड 1991 में, थर्ड 1992 में, फोर्थ 1944 में अमेरिका ने जो भूमंडलीकरण का जो शब्द का जो निर्माण किया था, प्रयोग किया था भूमंडलीकरण का, उसका जो इस्तेमाल किया वो 1990 में किया था, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है,
कब किया था? 1990 में अमेरिका किया था, भूमंडलीकरण शब्द का याद रखिएगा 1990, ये ऑप्शन अगर कहीं भी आपको दिख जाएगा चार ऑप्शन में से उसी में आप टिक लगाइएगा 1990 में। उसको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका के किस देश को सोने का शहर कहा जाता है? अमेरिका में एक ऐसा क्षेत्र है, सॉरी अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? क्वेश्चन दोबारा रिकॉल करते हैं, देश नहीं, अमेरिका खुद एक देश है, उसमें एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सोने का शहर कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है बाल्टीमोर, सेकेंड है न्यूयॉर्क, थर्ड है एल्डो राडो और फोर्थ है न्यू जर्सी, ठीक है। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, एल्डोराडो और न्यू जर्सी, इन चार ऑप्शन में से एक आंसर इसका होगा वो ऑप्शन है आपका थर्ड, ठीक है, यानी कि एल्डोराडो, याद कर लीजिए एल्डोराडो। एल्डोराडो एक ऐसा क्षेत्र है अमेरिका का जिसे सोने का शहर कहा जाता है, ठीक है, न्यू जर्सी में नहीं हो, समझ में आ गया ना। वाशिंगटन डीसी अमेरिका का कैपिटल है लेकिन उसे भी नहीं कहा जाता है सोने का क्षेत्र, वो जो सोने का क्षेत्र कहा जाता है वो है एल्डोराडो, ठीक है, एल्डोराडो एक ऐसा क्षेत्र है अमेरिका का जिसे सोने का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 11 सितंबर 2001 को, सेकेंड 11 मई 2002 को, थर्ड ऑप्शन है 11 सितंबर 2003 को और फोर्थ ऑप्शन है 11 अगस्त 2004 को। तो अमेरिका के जो विश्व व्यापार केंद्र पर जो आतंकवादी हमला किया गया था वो किया गया था 11 सितंबर 2001 को, फर्स्ट ऑप्शन इसको याद कीजिए 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला किया गया था, विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कर दिया था 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। कभी कभी आप कंफ्यूज कर दीजिएगा 11 सितंबर 2003, तो ये आप भूल जाइए 2001 में हुई थी और वो 11 सितंबर का दिन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी क्वेश्चन को आप केयर करना सीखिए, केयर करते हुए लिखिए, नोट तैयार कीजिए उसमें लिखिए और याद कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो LMF का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है मनीला में, सेकेंड है वाशिंगटन डीसी में, थर्ड है न्यूयॉर्क में और फोर्थ है लंदन में। तो याद कर लीजिएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल आ रहा है, इंटरनेशनल जो भी है मुद्रा कोष, ठीक है, वो जो आपका होगा वो वाशिंगटन डीसी, आपको पता है कहाँ है, अमेरिका में है ना कैपिटल, तो ये जो अमेरिका का कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, उसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है कहाँ? वाशिंगटन डीसी, याद रखिए ऑप्शन इसमें दूसरा दे रहा है आपको, हो सकता है ऑप्शन 4-1 कहीं भी रह सकता है, तो याद ये रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है। उस पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन 7 है कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब की गई थी? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1955 में, सेकेंड है 1956 में, थर्ड है 1957 में या 1958 में। 1955, 1956, 1957, 1958 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई थी क्या? तो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा 1957 में की गई थी, इस कब की गई थी? 1957 में की गई थी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना, याद रखिए 1957 में की गई थी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, सार्क का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है ढाका में, सेकेंड है काठमांडू में, फोर्थ है नई दिल्ली में या इस्लामाबाद में। आप समझिए ये सब कैपिटल है, ढाका हो गया बांग्लादेश का, काठमांडू नेपाल का हो गया, नई दिल्ली भारत का हो गया, इस्लामाबाद आपको पाकिस्तान का होगा, ठीक, इन चारों देश का कैपिटल है यानी कि राजधानी है। तो सार्क का जो मुख्यालय होगा वो होगा काठमांडू में, कहाँ पे है सार्क का मुख्यालय? कहाँ है? काठमांडू में है, और काठमांडू राजधानी कहाँ? नेपाल का है, कहाँ का है, कौन सा देश का? नेपाल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उसका आंसर जो होगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है दिसंबर 1966, पहले ऑप्शन सुनिए, दिसंबर 1966, सितंबर 1969, नवंबर 1966 या अक्टूबर 1969। ये 69 और 66 की चर्चा हो रही है, दिसंबर 1966 कि नवंबर 1966, कि सितंबर 1969 कि अक्टूबर 1969। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा, एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी वो दिसंबर 1966 में की गई थी, कब की गई थी? दिसंबर 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी, दिसंबर 1966, याद कर लीजिएगा, ऑप्शन इसमें 1 है, आपको कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 है कि ओपेक की स्थापना कब की गई थी, इसको गौर से समझो,
ओपेक की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? आपका फर्स्ट ऑप्शन 1955 में, सेकेंड 1960 में, थर्ड है 1965 और फोर्थ है 1970 में। तो इसका आंसर होगा 1960 में। ओपेक की जो स्थापना की गई थी वो भाई 1960 में की गई थी, याद कर लो 1960 में की गई थी ओपेक की स्थापना। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप सभी को जितना सारा क्वेश्चन दिए हैं सभी क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और पूछ दिया तो आप आसानी से लिख पाएंगे, है ना। और क्योंकि सभी के सभी क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन, 100 के 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन था और सोशल साइंस से था, और ये 10 क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। और फिलहाल अभी चलेगा सोशल साइंस का, और जो भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम होगा फाइनल मार्च में, तो वो स्टूडेंट्स के लिए इस वीडियो पे, इस चैनल पे अक्सर वीडियो आते रहते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगता है तो, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास जो आपका फ्रेंड 10th में पढ़ता है और जिनका एग्जाम होने वाला है। ठीक है गाइस, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय।